तो फाइनली गाइस हम लोग गेम के अंदर आ चुका न्यू ऑटो रिक्शा का चीट कोड नंबर एंड गाइस आप लोग देख सकते हो मैं अपने गेम के अंदर ले लिया हूँ न्यू ऑटो रिक्शा एंड आप लोगों को भी बताने वाला हूँ। और गाइस हम लोग के गेम के अंदर न्यू मॉडिफाइड इंडोर कार भी ऐड हो चुका है जो गाइस जो कि अपने गेम के अंदर काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है। तो गाइस अगर आप लोग इसका भी चीट कोड नंबर जानना चाहते हो तो चलो गाइस आप लोग को मैं बताता हूँ। आज की इस वीडियो में गाइस आप लोगों को मैं अपने इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम के न्यू अपडेट का फिक्स डेट भी बताने वाला हूँ। तो गाइस यार ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो गाइस मेरा रिक्वेस्ट की गाइस आप लोग इस वीडियो को लगातार एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि गाइस यार आप लोग लास्ट में जाते जाते वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। बाकी चलो गाइस आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट तो गाइस चलो सबसे पहले आप लोगों को ऑटो रिक्शा को ड्राइव करके दिखा देता हूं कोई गाइस यार वो अपने गेम के अंदर चलती कैसी एंड उसका आवाज कैसा है यार। मुझे तो ऑटो रिक्शा चलाने में काफी ज्यादा मजा आया एंड गाइस इसका जो कंट्रोल है गाइस काफी ज्यादा मजेदार है एंड गाइस ये काफी ज्यादा फुल कंट्रोल्ड है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने न्यू मॉडिफाइड इंडोर कार का। तो गाइस यार आप लोगों में से काफी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि गाइस अपने इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम्स क्या ओल्ड इंडोर कार को रिमूव कर दिया जाएगा। तो गाइस यार अभी तक तो इसका कोई जानकारी नहीं मिला बट मुझको जहां तक लगता है गाइस जब भी कोई अगर मॉडिफाइड कार ऐड होता तो गाइस यार उसके जगह पे उसका ओल्ड वाला वर्जन जो गाइस उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि गाइस यार ओल्ड वर्जन को रिमूव कर दिया जाएगा। बाकी गाइस यार आज की वीडियो में भैया मैं आप लोगों को ऑटो रिक्शा का चीट कोड बताने वाला हूं और गाइस यार न्यू इंडोर कार का भी चीट कोड बताने वाला हूं। तो गाइस इस वीडियो को लगातार एंड तक देखते रहिएगा। तो गाइस यार आप लोगों को मैं ऑटो रिक्शा का और गाइस यार न्यू मॉडिफाइड इंडोर कार का चीट कोड नंबर बताने से पहले गाइस यार ओल्ड अपडेट का गाइस यार आप लोगों को कुछ चीट कोड्स को बताना चाहता हूं कि गाइस जो आप लोग नहीं जानते हो काफी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे तो गाइस यार वो सब के सारे चलो चीट कोड आप लोगों को मैं बता देता हूं जिसमें गाइस यार RJS टूल्स के भी काफी सारे चीट कोड्स हैं जो कि मैंने अपने वीडियो चैनल पे नहीं बना के बताया था आप लोगों को। तो गाइस यार वो भी बताने वाला हूं। चलो गाइस आप लोगों को बताता हूं। तो गाइस जैसे ही आप लोग अपने फोन के अंदर गाइस 3005 मतलब 3005 डायल करते तो गाइस यार आप लोग निशान GTR देखने को मिल जाता है एंड गाइस जैसे आप लोग 3001 डायल करते तो गाइस आप लोगों को मिल जाता है बोट एंड गाइस जैसे आप लोग 400 मतलब 400 डायल करते तो गाइस यार मिल जाता है ZX10R एंड 1210 डायल करने पर न्यू KTM देखने को मिल जाता है। एंड गाइस यार अब आप लोग जैसे आप लोग अपने फोन के अंदर 3880 डायल करो तो गाइस आप लोगों को हैमर कार देखने को मिल जाएगा अपने गेम के अंदर एंड 6677 डायल करते आप लोगों को JCB मिल जाएगा। तो चलो गाइस अब मैं आप लोगों को RJS टूल्स का कुछ चीट कोड भी बता देता हूं जो कि आप लोग नहीं जानते हो एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो गाइस सबसे पहले आप लोग जैसे आप लोग RJS टूल्स में आके गाइस P1 डायल करोगे तो गाइस यार आ जाएगा जो P2 डायल करोगे तो गाइस यार देख सकते हो ये आ चुका है अपने गेम के अंदर एंड गाइस यार जैसे आप लोग अपने फ़ोन के अंदर P1 डायल करोगे तो गाइस यार ये खंभा देखने को मिल जाएगा आप लोगों को एंड गाइस यार इसके बाद जैसे आप लोग P3 डायल करोगे तो गाइस यार आप लोगों को मिल जाएगा एक और चीज़ जो कि न्यू ऐड हुआ था। तो गाइस यार देख सकते हो ये आ चुका है डिवाइडर टाइप है जो कि एंड इसके बाद गाइस जैसे आप लोग P4 डायल करोगे तो गाइस यार एक और चीज़ आ जाएगा जो कि खंभे टाइप है गाइस यार खंभा ही है एंड यहाँ पर P5 डायल करोगे तो गाइस यार आप लोगों को मिल जाएगा एक और तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो डस्टबिन है शायद बड़ा वाला एंड इसके बाद गाइस P6 करोगे तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो सिग्नल वाला मिल जाता है जेब्रा क्रॉसिंग सिग्नल का यहाँ पर निशान मिल जाता है एंड गाइस यार यहाँ पर मैं आ चुका डायल में गलती से एंड फिर से गाइस जैसे आप लोग P7 डायल करोगे तो गाइस यार आप लोगों को एक और चीज़ देखने मिल जाएगा जो कि ट्रिपल डस्टबिन एक साथ कनेक्टेड है तो गाइस यार ये मिल जाएगा एंड जैसे गाइस आप लोग P8 डायल करोगे तो गाइस आप मिल जाएगा एक और डस्टबिन। तो गाइस यार इस तरीके से आप लोग 10 तक डायल करोगे तो गाइस यार आप लोगों को एक से एक चीज़ें देखने को मिल जाएगी एंड तो गाइस यार देख सकते हो ये P9 पे एंड गाइस यार P10 करने पर लास्ट आप लोग देख सकते हो हम लोग को मिल जाता है ये बड़ा सा कुछ पता नहीं क्या है गाइस ये किस काम में आता है ये तो हमको नहीं पता है। तो चलो गाइस यार देख सकते हो तो गाइस यार इस तरीके से पी से लेकर P10 तक लेकर गाइस आप लोग करोगे तो आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर R1 करोगे तो गाइस यार आप लोगों को एक रैंप देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इतना ही नहीं है गाइस यार और भी काफ़ी सारे RJS टूल के चीट कोड हैं तो चलो गाइस और आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो गाइस जैसे आप लोग अपने फ़ोन के अंदर RJS टूल्स में
H1 डायल करो तो गाइस आप लोग न्यू हाउस देखने को मिल जाएगा था है। एंड यहाँ पर गाइस H2 डायल करोगे तो गाइस यार एक और तरीके का गाइस आप लोगों को मिल जाएगा हाउस। तो गाइस चलो आप लोग डायल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर H2 मैंने डायल किया है गाइस, एंड देख सकते हो एक और हाउस आ चुका है। तो गाइस इस तरीके से 10 तक आप लोग डायल करोगे H1 H2 H3 तो गाइस यार आप लोगों को अलग अलग किस्म के गाइस हाउस देखने को मिल जाएंगे अपने गेम के अंदर। एंड गाइस यार अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस यार C1 डायल करो तो गाइस आप लोगों को कंटेनर देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है। एंड इसका यूज से गाइस यार आप लोग कुछ भी बना सकते हो, मतलब जो भी करना चाहते हो अपने तरीके से बना सकते हो। एंड गाइस यार जैसे आप लोग अपने RGS टूल्स में जाकर गाइस यार B1 डायल करोगे तो गाइस यार आप लोगों को बिल्डिंग देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो गाइस यार कितना ही ऊंची बिल्डिंग आ चुका है। एंड इसके बाद फिर से गाइस यार आप लोग B3 डायल करोगे तो गाइस यार आप लोगों को एक और बिल्डिंग मिल जाएगा। एंड इसी तरीके से गाइस जैसा कि आप लोगों को हाउस वाला था गाइस यार 1 से लेकर 10 तक, तो गाइस यार यहाँ पर B1 B2 B3 B4 B5 B6 ऐसे करते करके 10 तक करोगे तो गाइस यार अलग अलग किस्म के गाइस आप लोगों को बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलो गाइस अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा देता हूँ जो कि गाइस यार W1 डायल करने में मिल जाता है। तो गाइस यार यहाँ पर W1 करोगे तो गाइस यार आप लोगों को वॉल देखने को मिल जाएगा, मतलब गाइस यार एक वॉल स्पॉर्न हो जाएगा। तो गाइस यार वॉल 2 भी होता है, तो गाइस यार ये तो मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। मतलब आप लोग वॉल मतलब W2 करोगे तो गाइस एक किस्म का और दीवार आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यार आप लोगों में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे ये सारे इतने सारे चीज़ स्पॉन करने के बाद इसको हटाएंगे कैसे या फिर कहीं मूव कैसे करेंगे, तो गाइस यार उसका भी सलूशन आप लोगों को इस गेम में देखने को मिल जाता है। तो गाइस यार उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना गाइस, जस्ट आप लोगों को RGS टूल्स में चले जाना है। एंड गाइस यार आप लोगों को यहाँ पर MD ON लिखना है। तो गाइस यार स्पेलिंग ध्यान से देख लो, MD ON। एंड जस्ट गाइस इसके करने के बाद टिक कर दोगे गाइस यार, एंड इसके बाद गाइस जिस चीज़ को आप लोगों को मूव करना है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस यार जहाँ पर मतलब कैरेक्टर का सिर है गाइस जस्ट उसके ऊपर क्लिक करोगे एंड जिस भी ऑब्जेक्ट को आप लोग मूव करना चाहते हो तो गाइस यार वो शेक होने लगेगा, मतलब उसको गाइस यार इधर से इधर आप लोग कर सकते हैं। एंड देख सकते हो गाइस यार यहाँ पर मैं कंटेनर का भी कर दे रहा हूँ। तो गाइस यार इस तरीके से MD ON करके मतलब मोशन ऑन करके गाइस यार आप लोग किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट को गाइस यार इधर से उधर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा गाइस यार अगर आप लोग इसको रिमूव करना चाहते हो तो गाइस यार यहाँ पर पिस्टल निकाल लोगे गाइस MD ON करके गाइस यार किसी भी ऑब्जेक्ट पर मार दोगे जो कि हम लोग स्पॉन किए होंगे RGS टूल्स की मदद से गाइस यार जिस पे मार दोगे तो गाइस यार वो रिमूव हो जाएगा, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो मैं मार रहा हूँ। एंड गाइस यार ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। बाकी गाइस यार अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग अपने गेम का न्यू अपडेट कब पाओगे। तो गाइस यार अभी तक न्यू अपडेट का डेट फिक्स नहीं हुआ है। एंड गाइस यार इसके अलावा ऑटो रिक्शा का भी चीट कोड किसी को अभी तक नहीं मिला है। एंड इसके साथ साथ यार न्यू इंडोर कार का भी चीट कोड नहीं मिला है। तो गाइस यार यही कुछ वीडियो था। बाकी गाइस अगर आप लोग इसका वीडियो चीट कोड मतलब मॉडिफाइड थार का, सॉरी गाइस यार मॉडिफाइड इंडोर कार का एंड गाइस ऑटो रिक्शा का कर जानना चाहते तो गाइस उसका कमेंट कर दो। एंड इसके अलावा गाइस RGS टूल में गाइस हाउस कलर ग्रे करोगे तो गाइस यार ये हम लोगों का हाउस में एक और न्यू कलर ऐड हो चुका है। पहले गाइस यार ग्रे कलर नहीं हुआ करता था, तो गाइस यार अब होने। बाकी गाइस यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।